अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको चिकन की तहरी बनाना बता रही हूँ। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखिए, चिकन, दही, टमाटे, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चियाँ, खड़े मसाले में बे लीव्स, दालचीनी, शाजीरा, तेजपात का पत्ता बोलते बे लीव्स, और नींबू, प्याज, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन और पिसा हुआ गरम मसाला, तेल। अब अपन स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मैं तेल डालूंगी, एक चमचे से मैं अढ़ाई चमचे तेल डालूंगी, 2 अंडा हाफ। अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूंगी, तेजपात का पत्ता, दालचीनी, जीरा। प्याज डालूंगी जो चॉप करके रखी थी, 3 डंडी। प्याज थोड़ा तले गए तक मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। अदरक लहसुन, 3 चमचे अदरक लहसुन डालेंगे, 2 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 नमक। मैं 1 मुट्ठी से 1 मुट्ठी डालूंगी, आप आपके हिसाब से डालिए जो टेस्ट है। और दही, 1/2 किलो दही है, चावल 1 किलो लेंगी, 1 किलो चिकन है, 1 किलो चावल लेंगी। और ये जो 1/2 नींबू रखे थे वो डालेंगे अपन। और कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चा इसमें मिक्स करूंगी और थोड़े ये तले में डालूंगी प्याज। चिकन में ये डाली ना पूरा हाथ से मिक्स कर लूंगी। 1/2 ब्राउन प्याज भी देखिए, पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है अपने को, 1/2 ब्राउन पे ये जो मैरिनेट करके रखे थे चिकन डाल देना है, जो मिक्स करे पूरे मसाले। जो तले जा रही थी तो प्याज 1/2 गोल्डन 1/2 ब्राउन जो हो रही थी उसमें अब मिक्स कर लेंगे अपन दाल के मसाला चिकन। देखिए चिकन ऐसा पक रहा, इसको अपन और थोड़ी देर पकाएंगे जो दही वो मिक्स कर रहे थे। 5 मिनट के बाद में अपन इसमें टमाटे मिक्स जो कट करके रखे वो डाल देंगे। जब तक के लिए मैं लिड, ये 1 किलो चावल है जो मैं भिगा के रख ली थी, 15-20 मिनट भिगा के रखिए आप चावल तो अच्छे मुलायम पकते। मिनट हो गए, अब अपन इसका लिड हटा के देखेंगे। देखिए ऐसा पक रहा, अब अपन इसमें टमाटे डालेंगे जो कट करके रखे। ये 1/4 किलो टमाटे है, 1 किलो ये 1/4 किलो टमाटे है, 1 किलो चावल है, 1 किलो चिकन है और 1/4 किलो दही है। बाकी के मसाले तो आप लोगों को मैं बताई क्या क्या डालना है। ये फिर से
रिपीट कर। टमाटर डालने के बाद अपन लिड कवर कर दे, एक वक्त अपन बीच में मिला के देखें। टमाटर डाले पर अभी टमाटर नहीं गले, फिर अपन कवर कर देंगे। 10 मिनट्स हो गया, मैं लिड हटा के देखेंगे अपन क्या कंडीशन है। टमाटे हुए गल गए, अब अपन इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी पकने के अधन पके बाद में अपन चावल डालेंगे, तो उसके लिए मैं ये ग्लास से 7 ग्लास चावल ली थी, तो यही ग्लास से मैं 16 ग्लास पानी ले रही हूँ। अगर आपके चावल नए हैं तो आप 14 ग्लास लीजिए, नए अगर पुराने हैं अच्छा पक रहे हैं तो आप 16 लीजिए। अब मैं इसमें 16 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद मैं लिड कवर कर रही हूँ, मैं लिड हटा रही हूँ। ये अधन खलखल पक रहा है, इसमें मैं चावल डाल दूँगी। फ्लेम हाई पेज रखना, देखिए चावल डालते हैं। चावल डालने के बाद अच्छे से हिलाइए, नहीं तो चावल क्या है, चावल नहीं तो लम्स बन जाते, फिर वो अच्छा नहीं रहता, खराब हो जाती है। ऐसा हिलाते रहिए, पूरा फ्रीली हो गए था। अब मैं आपको 2-3 वक्त ऐसे बताते जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी देर को हिलाना है अपने। अब मैं लिड हटा रही हूँ, देखिए ये पोजीशन है अपने तहरी का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मैं जैसा बनाई आप बनाइए, बहुत मज़े की होती तहरी। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी मैं कोई नई डिश लेके आऊँगी तब आप तक पहले पहुँचूँगी। अब मैं लिड हटाई और हिला रही हूँ, अब चावल टाइट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब पानी कम हो रहा, दम पे आने के लिए दम देने के लिए रेडी हो रहे हैं चावल। तो अपन ये पोजीशन पे क्या करेंगे, सिम पे कर देंगे और 5-10 मिनट के अंदर दम देंगे। चेक करेंगे अपन तहरी दम हो गई, देखिए अपनी तहरी दम हो गई, कर देंगे और उसका ना मैं आपको डिश आउट करके बताऊंगी। चिकन तहरी रेडी हो गई, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मैं जैसा बताई आप वैसे स्टेप वाइज बनाइए, बेहतरीन बनती। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी मैं कोई नई डिश अपलोड करूँगी वो आप तक पहले पहुँचेंगी। नई डिश लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।